गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय सेल्फ जनसर किशोर। टुडे आई विल टीच इन स्टैंडर्ड 8 द मेन बुक हनी ड्यू चैप्टर नंबर 4। द नेम ऑफ द चैप्टर बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। सो इन लास्ट लेक्चर आई हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 62 एंड इन पेज नंबर 63 I have completed one paragraph. So now I will start on page number 63, the second paragraph. And yet the man knew a great deal about him. तो बिपिन बाबू सोच रहे हैं कि भाई मैं इंसान को जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें जानता है। हाउ, किस तरह से? ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। उसने ऐसी ऐसी डिटेल दी, इंटीमेट डिटेल यानी वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट डिटेल, कि जनरली हमने किसी को इन्फॉर्म किया है, किसी को बताया, वही इंसान जानता है। ऐसी ऐसी डिटेल उसने बाबू ये बिपिन बाबू को दी। The only mistake was about his having gone to Ranchi. और उसको मोस्ट ऑफ हर एक चीज़ याद है, लेकिन यही एक चीज़ याद नहीं है कि वो रांची गए थे। Not a mistake, वो सोचते नहीं mistake तो नहीं है, a deliberate lies, वो जानबूझकर झूठ बोल रहा है। In 58, यानी 1958 की बात है, कि in 1958 during the pujas, जब पूजास चल रही थी, He was in Kanpur at his friend's Haridas Bagchi's place. तो जब पूजा चल रही थी तब वो कानपुर में थे अपने फ्रेंड जिसका नाम था हरिदास बागची, तो वो उनके प्लेस यानी उनके घर पर थे, यानी वो रांची गए नहीं हैं। और बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू, उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं, उनको लेटर लिखूं। फिर सर नो, देर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, नहीं, हरिदास को लिखने की कोई मीनिंग नहीं है। क्यों? कि बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान, ओके, फॉर सम वीक्स अगो, एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस। तो वो कानपुर में हरिदास बागची के वहाँ पर गए थे, कुछ पूजा चल रही थी, तो उनको लेटर लिखूँ, लेकिन फिर सोचता है नहीं, उसको लेटर लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज़ उनको सडनली याद आया कि ये जो हरिदास से वो अपनी वाइफ के साथ जापान गए कुछ वीक रहने के लिए, और वहाँ का एड्रेस उनके पास नहीं है। दैट मीन्स अगर वो लेटर लिखेंगे तो उसका कोई रिप्लाई मिलेगा नहीं, क्योंकि वो घर पर नहीं है, वो जापान गए, जापान का एड्रेस उनके पास था नहीं। यानी ये ख्याल आता है कि मैं कंफर्म करूं हरिदास से, लेकिन उनसे कंफर्म हो सकता नहीं था। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन उसको प्रूफ की ज़रूरत थी, उनको जानना था कि क्या वो रियली, ये जो इंसान, जो अननोन पर्सन था, ही टोल्ड हिम दैट ही नो हिम, वी स्पेंड अ वीक इन रांची। लेकिन बिपिन बाबू को पता था कि वो कभी रांची नहीं गए थे, उनको ये जैसे मेमोरी उनके माइंड में से चली गई थी, वो गए थे नहीं गए थे कन्फ्यूज़न था। दैट पर्सन टोल्ड हिम दैट वी स्पेंड वन वीक इन रांची, लेकिन बिपिन बाबू को पता था मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ। ठीक है, ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर दैट ही हैडन बीन टू रांची, लेकिन वो खुद से यानी अपने आप को बोले तो उनको पूरा कॉन्फिडेंस था, ही नो वेरी वेल दैट वो कभी रांची गए नहीं है। लेकिन जो पर्सन था मिस्टर घोष, उन्होंने बताया कि हम रांची में एक वीक साथ में रहे हैं, एंड दैट वॉज दैट, और उसी के बारे में उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते थे, कि अभी वो इंसान को जो बोल रहा था कि आपने मेरे साथ वहाँ पर एक वीक रांची में स्पेंड किया है, तो वो ऐसे ऐसे
एक्सक्यूज देता है, ऐसे ऐसे वो प्रूफ देता है कि वो अगर प्रूफ को ऑब्जर्व करे तो उनको लगेगा कि नहीं रियल में वो रांची गए थे। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रांचिंग एंड येट अ स्लाइट डिसकम्फर्ट लिंगर इन बिपिन बाबूज माइंड। तो ये जो रिवर ब्रिज, ब्रिज यानी हवा होती है, तो हवा नॉर्मली चल रही थी लेकिन फिर भी ये जो बिपिन बाबू के माइंड में बहुत सारा डिसकम्फर्ट यानी बहुत सारे जो ख्याल थे, बहुत सारी सोच थी, बहुत सारे जो ये विचार थे वो दौड़म दौड़ कर रहे थे, भागम भाग कर रहे थे। दैट मीन्स ही वॉज कन्फ्यूज। ये कहना ये चाहते हैं कि भाई एटमोसफेयर एकदम अच्छा था लेकिन बिपिन बाबू का जो माइंड था वो अपसेट था, वो कन्फ्यूजन थे कि क्या करूँ। ओके, वो क्या वो रियल में रांची गए थे या नहीं गए थे। वो इंसान कह रहे हैं कि भाई वो रांची गए थे लेकिन उनको पता है कि वो रांची नहीं गए थे। अभी वो जो मिस्टर घोष थे उन्होंने ऐसे प्रूफ दे के नहीं भाई आप यहाँ पर ये किया था वो किया था उसके बाद आपको वहाँ गिर गए थे आपके पैर में लगा था, अभी उनको ये ख्याल आएगा। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। अभी जब उसने बोला था कि आपके राइट नी पर आपको लगा था आप गिर गए थे, तो उनको याद आया कि हाँ उन्होंने ये बोला था कि भाई मैं वहाँ पर गिर गया था, मेरे राइट लेग में लगा था, तो उसका कोई निशान होना चाहिए। तो उन्होंने अपना जो ट्राउज़र था उसको रोल करके उन्होंने नी तक ऊपर किया और देखने का ट्राई किया। देर वॉज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और वहाँ पर उनको वो मार्क मिला जो मिस्टर घोष ने कहा था, ऐसा ही वहाँ पर एक कट का निशान मिला कि जो रियल में लग रहा था कि एक इंच जितना था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल वेन द इंजुरी हैड अकर, अभी उनको ये भी पता नहीं था कि ये इंजुरी कब हुई थी। जनरली हर एक इंसान को पूरी बॉडी में कहाँ कुछ भी लगता है तो वो चीज़ याद होती है, लेकिन अभी उनके माइंड में ये भी नहीं था कि भाई ये मुझे जो घाव लगा है वो क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, कब हुआ था। तो ये उनके माइंड में है नहीं कि इंजरी मुझे कब हुई। तो इन शॉर्ट वो कन्फ्यूज़ हो जाते और ज़्यादा कि भाई रियल में ये जो मिस्टर घोष बोल रहे हैं, उन्होंने बोला कि भाई आप वहाँ पर गिर गए थे, राइट लेग में आपको एक इंच जितना घाव हुआ था, तो उसका निशान भी उसके पैर में मौजूद है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि भाई मैं रांची गया था और ये जो घाव था वो कहाँ पर हुआ था वो भी उनको पता नहीं है। ओके, ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी। उन्होंने सोचा कि क्या मैं जब छोटा बच्चा था क्या कब मैं कहीं गिरा था, यानी वो याद करते कि भाई चलो अगर मैं रांची पे नहीं गिरा तो जब मैं छोटा था तब मैं कहीं गिरा था, वो इंसिडेंट याद है। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कूडंट, उन्होंने ट्राई किया अपने माइंड को जरा प्रेशर दिया कि भाई ये जो कट हुआ है कब हुआ है, मैं छोटा बच्चा था तब हुआ या उसके बाद हुआ, लेकिन ये जो निशान था वो कहाँ पर गिरे थे, कब गिरे थे, व्हेन ही वॉज चाइल्ड या कोई दूसरी एज में, लेकिन वो उनको याद नहीं आता। वो ट्राई करते हैं वो ढूंढने का अपने माइंड से उसके इंसिडेंट के बारे में जानने का कि ये लेग पर जो निशान है वो कब हुआ था, लेकिन वो याद उनको आ नहीं रहा है। इन शॉर्ट वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज जाते हैं। देन बिपिन बापू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, अभी पहले उन्होंने ये जो मिस्टर घोष था उन्होंने ये निशान के बारे में बताया, तो निशान के बारे में उन्होंने कन्फर्म किया तो रियल में वो निशान वहाँ पर पैर में था, अभी उनको कब हुआ था वो निशान वो भी उनको याद नहीं है। वो अपने माइंड को थोड़ा प्रेस करते और सोचने का ट्राई करते हैं लेकिन फिर भी उनको जो सच है कब हुआ था वो निशान उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद वो मिस्टर घोष ने कहा था कि दिनेश मुखर्जी भी आपके साथ थे, तब उनको दिनेश मुखर्जी की बात याद आई। ओके, देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, द मैन हैड सेड दैट
दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। वोन सर ने कहा था, इन्हें नहीं, मिस्टर घोष ने कहा था कि भाई ये दिनेश मुखर्जी भी उस टाइम पर वहाँ पर रांची में थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। उन्होंने सोचा कि भाई ये बात अच्छी है कि अभी मैं क्या करूँ, ये निशान तो उसने बोला वो सही है, ओके तो इन शॉर्ट निशान से पता चलता है कि भाई वो इंसान सच बोल रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला था दिनेश मुखर्जी से, अभी उनको कन्फर्म करता हूँ वो क्या कहते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं दिनेश मुखर्जी को पूछूं और उनसे इंक्वायरी करूं। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो बहुत ही नज़दीक रहते थे, इन बेनी नंदन स्ट्रीट। बेनी नंदन स्ट्रीट वो उनके घर के आसपास में कोई स्ट्रीट थी, यानी नज़दीक ही थी। वट अबाउट गोइंग राइट नाउ, उन्होंने सोचा अभी मैं जाऊँ कैसा रहेगा। बट देन उसके बाद, इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, वॉट वुड दिनेश थिंक बिपिन बाबू आस्क फॉर कॉन्फर्मेशन। तो उन्होंने सोचा कि अगर रियली वो वहाँ पर नहीं गए होंगे तो दिनेश बाबू क्या सोचेंगे, दिनेश क्या सोचेगा कि बिपिन बाबू क्या कन्फर्मेशन लेने आए हैं, ओके यानी उनको डायरेक्टली नहीं पूछना है कि क्या हम रांची गए थे, यानी उसको कोई दूसरे वे से कि जिससे उनको डाउट नहीं हुए कि भाई ये जो इंसिडेंट है बिपिन बाबू भूल गए हैं, ओके ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। तो उन्होंने कंक्लूड निकाला कि भाई मुझे इस तरह से पूछना है कि उनको डाउट नहीं है, ओके नो इट वुड बी अ रिडिक्यूलस टू आस्क हिम। उन्होंने मन में सोचा नहीं, उनको पूछना ये अच्छी बात नहीं है, उनको अगर मैं पूछूंगा तो देट मीन्स जैसे खुद की इंसल्ट होगी कि भाई ये कैसा क्वेश्चन करता है, मुझे पूछ रहा है, क्या उसको याद नहीं है, यानी उनको खुद का इंसल्ट जैसा फील लगेगा। तो वो सोचते नहीं, ये सब चीज़ इस तरह से पूछने योग्य नहीं है। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सैरकम कुड बी, और वो जानते थे कि जो दिनेश है, ओके तो वो जो अभी जो सर्कमटेंस यानी जो परिस्थिति में जो हालत में रहते हैं वो अच्छी तरह से जानते थे। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट इजी अगेन। तो ये बिपिन बाबू अपने लिविंग रूम में कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे तभी वो थोड़ा रिलैक्स हुए, उनके माइंड से ये जो एक कंफ्यूजन था वो पूरा दूर तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी वो थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। सच अ न्यूसेंस, ये लगता है कि ये तो बहुत ही, ये जो मैटर है बहुत ही छोटी है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा उसको पेन दे रही है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, इसलिए है कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर, ओके उनको लग रहा है कि जैसे अदर पीपल्स हेयर कमिंग इंटरफेयरिंग विथ एन एनोइंग पीपल, कि अगर वो किसी को पूछेंगे ये क्वेश्चन तो शायद वो पीपल भी कैसा हो जाएगा, इरीटेट हो जाएगा, गुस्से हो जाएगा। अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए इफ़ ही आस्क एनीबडी तो शायद वो इंसान भी कैसा हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा। इस तरह से उनके मन में ख्याल आता है। आफ्टर डिनर के, डिनर के बाद, स्नगनिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, स्नगलिंग कमिंग सोना। तो वो डिनर के बाद थोड़े टाइम लोग क्या करते हैं, बेड पर सो जाते हैं। उस टाइम पर भी ये बिपिन बाबू थोड़ी देर सो जाते हैं लेकिन उनके मन में अभी भी थ्रिलर्स यानी उनके मन में ख्याल अभी भाग रहे हैं। बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, अभी वो सोचते कि मैं वो जो इंसान जो मुझे मिला था मार्केट में यानी मिस्टर घोष उसके बारे में क्या करूँ, भूल जाऊँ। वो अपने मन को ऐसा बना रहे कि मैं उसको भूल जाऊँ, वो इंसान मुझे मिला ही नहीं था। अगर हम ऐसा सोच लेते हैं तो मेरे मन में से उसके बारे में जो ख्याल है, जो मेरा मन अभी कंफ्यूज है, वो सब क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो मैं वो इंसिडेंट को भूल जाऊँ कि मुझे मार्केट में ये इंसान मिला था।
इस तरह से वो अपने मन को मनाने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, अभी दूसरे दिन, वो दिन को दिन तो पूरा बीत गया, अभी नेक्स्ट डे ओके ऑफिस में बिपिन बाबू नोटिस दैट विथ एवरी पासिंग आवर अ प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। वो अपना काम कर रहे थे, जैसे एक एक घंटा बीत रहा था, लेकिन प्रीवियस डे यानी यस्टरडे जो उनके साथ हुआ था, ये मिस्टर घोष मिले थे तो उन्होंने जो कहा था, उन्होंने हर एक चीज़ फिर से उसके माइंड में रिमाइंड होने लगती है, यानी यस्टरडे जो जो चीज़ हुई थी वही पूरी बात वही उनके माइंड में फिर से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। अगर वो इंसान मेरे बारे में इतना जानता है ओके, उसने निशान के बारे में बताया, दिनेश मुखर्जी के बारे में बताया, उसके बाद उन्होंने दूसरा ये भी बताया था कि वो उसके साथ शाम को एक दिन बैठा था, ड्रिंक किया था और यानी चाय पी थी, और उसने अपने पर्सनल बारे में, जैसे कि भी ये मिस्टर बिपिन बाबू हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, उनकी वाइफ 10 साल पहले उनका डेथ हो गया था, तो ऐसे ऐसे चीज़ें थी जो उन्होंने बताई थी कि जो कोई नहीं जानता था लेकिन वो इंसान अच्छी तरह से जानता था। तो ये इंसान इतनी बड़ी तो गलती नहीं करेगा, अगर वो गलती कर रहा है तो मेरे बारे में इतना डीप में जानता नहीं होगा। उसने जो निशान बताया वो निशान उसके पैर में मौजूद थे, तो वो फिर से सोचता है कि भाई वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। वो रांची ट्रिप के बारे में शायद उसको पता है, लेकिन मेरे मन में से शायद वो पूरा जो एक इंसिडेंट है वो निकल गया है, ऐसा वो अपने आप के बारे में सोचता है। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। लंच लेने से पहले उन्होंने सोचा कि चलो मैं दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करके एक बार कन्फर्म कर दूँ, दिनेश मुखर्जी को क्या करूँ, फ़ोन करूँ और कन्फर्म करूँ कि क्या हम यानी मैं और आप कभी रांची गए थे। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन। उन्हें सोचा ये जो क्वेश्चन मैं फ़ोन पर ही क्या कर दूँ, सेटल कर दूँ ओके, ये क्वेश्चन मैं उनको फ़ोन पर ही पूछ लूँ कि जिसकी वजह से ये मन में जो कन्फ्यूज़न है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट आउट हो जाएगा। एटलीस्ट द एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। और उसके बाद जैसे एम्ब्रेसमेंट यानी ये जो उनके मन में कन्फ्यूज़न है वो शायद क्या हो जाएगा, फेस पर रहेगा नहीं। 2 3 5 6 1 6 एंड नंबर है, बिपिन बाबू डायल द नंबर। ये जो दिनेश मुखर्जी है उसका नंबर उनको याद था, तो लंच से पहले वो उनको फ़ोन लगा कर ये पूछना चाहते थे, ये कंफर्म करना चाहते थे कि क्या हम रांची गए थे, तो जिसकी वजह से अगर उनका आंसर मिलने के बाद वो सोच रहे कि मैं क्या हो जाऊँगा, ज़्यादा रिलैक्स हो जाऊँगा ओके। तो ये सोचकर वो दिनेश मुखर्जी को नंबर डायल करते हैं, उनका नंबर था 2 3 5 6 1 6 और बोलते हेलो, तो पूछे इज दैट दिनेश, दिस इज़ बिपिन हियर, क्या आप दिनेश बोल रहे हो, मैं बिपिन बोल रहा हूँ, वेल व्हाट्स द न्यूज़। दिनेश बोलता है ओके, बोले क्या न्यूज़ है, आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। तो बोल रहे कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या 58 यानी 1958 की जो ईयर था उसमें जो जो हमारे साथ इंसिडेंट हुए हैं क्या वो सब चीज़ आपको याद है। यानी वो डायरेक्टली नहीं पूछ, मैं बोला कि वो डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कि हम क्या रांची गए थे कि नहीं गए थे, वो गोल गोल घुमाकर यानी अलग तरीके से वो उसका आंसर जानना चाहता था। तो ये जो दिनेश बाबू बोलते 58 व्हाट इंसिडेंट, 58 कौन सा इंसिडेंट, वेर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर,
वेर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, क्या वो ईयर में आप कलकत्ता गए थे? दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, मैं ये चीज़ जानना चाहता था कि क्या आप कलकत्ता गए थे। वेट जस्ट अ मिनट, मिस्टर दिनेश मुखर्जी कहते हैं, वेट जस्ट मिनट 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, मुझे अपनी डायरी में चेक करने दो। फॉर अ मिनट देर वॉज अ साइलेंस, थोड़ी मिनट के लिए एकदम साइलेंस हो गया। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, ये थोड़ी देर साइलेंट हो गई, बिपिन बाबू की जो फीलिंग है वो और ज़्यादा तेज हो गई, उनकी जो हार्ट बीट है वो और ज़्यादा फास्ट हो गई। ही वॉज स्वीटिंग अ लिटल, जैसे उनको पसीना आ रहा था। सामने से आया हेलो, तो बिपिन बोले यस आई हैव गॉट इट, आई हैव बीन आउट ट्वाइस, मैं दो बार बाहर गया था। तो उन्होंने बोला वेर, कहाँ गए थे? वंस इन फेब्रुआरी नियर बाय टू कृष्णानगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग, तो 1958 में मैं दो बार बाहर गया था, एक गया था मैं फेब्रुआरी में, वो मैं कृष्णानगर गया था, मेरे नेफ्यू का वेडिंग यानी मेरे भतीजे का, भतीजे की शादी थी, तो मैं वहाँ पर गया था। एंड देन और सेकंड टाइम, बट यू वुड नो अबाउट वन थिंग्स, लेकिन आप ये नहीं जानते हो द ट्रिप ऑफ रांची, यू वेयर देयर टू, आप भी वहाँ पर थे, दैट इज़ ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस सेलेट थिंग अबाउट, लेकिन उसके बारे में क्या है, उसके बारे में ये इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रहा है? 1958 में दो बार मैं बाहर गया था, एक फेब्रुआरी में और एक गया था रांची, जिसमें आप भी मेरे साथ थे, आप उसके बारे में इंक्वायरी यानी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो? तो ये सुनकर ये बिपिन बाबू कहते हैं नो आई जस्ट वॉन्ट टू एनी वे थैंक्स, अरे मैं जब ओनली जानना चाहता था, और फिर कहता है नो प्रॉब्लम एनी वे थैंक यू। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हीज हेड विथ हीज हैंड्स, बिपिन बाबू ने वो रिसीवर तो नीचे रख दिया लेकिन अपना जो हेड है उसको अपने हाथों से एकदम दबाने लगे, ग्रिपिंग करने लगे। ही फेल्ट हीज हेड स्विमिंग, उसको लग रहा था कि उसका हेड स्विमिंग कर रहा है, यानी ये सेकंड प्रूफ था, फर्स्ट प्रूफ था कि उनके पैर में निशान, वो उन्होंने ऑब्जर्व किया तो वो निशान था वहाँ पर, उनको याद नहीं था कि वो उनको कब लगा था, जब वो छोटे थे तब लगा था। मिस्टर घोष ने कहा कि वो निशान आपको वहाँ पर रांची में गिर गए थे वहाँ पर लगा था, यानी वो बात कब लगा था याद नहीं है, तो ये बात को उनको बिलीव करना पड़ेगा। सेकंड ही टोल अबाउट दिनेश मुखर्जी, नाउ ही कॉल्ड दिनेश मुखर्जी एंड दिनेश मुखर्जी ऑल्सो इन्फॉर्म हिम दैट हम रांची गए थे, दैट मीन्स अभी तो ये एकदम कम्प्लीटली प्रूफ हो गया कि भाई वो रांची गया था, लेकिन उसको रांची के बारे में कुछ भी याद नहीं था। ही फेल्ट ही सेड स्विमिंग, उसको लगा कि उसका जो सिर है वो घूम रहा है, स्विमिंग कर रहा है। अ चिल सिम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, उसकी बॉडी पर जैसे चिल यानी ठंडी छा गई, पूरी बॉडी पर जैसे ठंडी छा गई। देर वेयर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिडंट ईट देम, वो लंच के लिए अपने टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस लाए थे लेकिन उनको वो सैंडविचेस खाने की इच्छा नहीं हुई, उन्होंने खाई नहीं, सैंडविचेस लेकर आए थे लेकिन उनको खाने की जैसे इच्छा ही नहीं हुई थी। ये जो उनके माइंड में कन्फ्यूजन चल रहा था उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो जिसकी वजह से उनकी जैसे भूख चली गई थी, उनको जैसे भूख लग नहीं रही थी, तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, एपेटाइट यानी भूख, जैसे उनकी भूख चली गई थी, उनको भूख ही नहीं लग रही थी, खाना सामने था, खाना लेकर आए थे, लेकिन इंसान खाना कब खाता है जब उसको भूख लगती है, लेकिन अभी उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे उसको भूख नहीं लग रही थी। अच्छा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका ये जो सेकंड पॉइंट है जिसमें हमने पढ़ा कि ये जो बिपिन बाबू है, तो वो जब एक स्टेशनरी यानी एक वहाँ बुक की शॉप पर जब बुक परचेस कर रहे थे तो मिस्टर घोष वहाँ पर उनको मिले, मिस्टर घोष उनको स्टेयर कर रहे थे यानी ग्लेंस धार धार कर देख रहे थे, यानी एक ही ध्यान उनका पूरा ध्यान ये मिस्टर
बिपिन बाबू पे था। बिपिन बाबू ने जब उनको देखा, उनकी तरफ आंखें घुमाई, तो उन्होंने स्माइल दी। फिर उन्होंने कहा कि क्या आपको याद है, क्या आप मुझे जानते नहीं हो, हमने एक वीक रांची में साथ में बिताया था। ही बिपिन बाबू को पता था कि वो रांची नहीं गए, तो बोलता भाई मैं तो कभी रांची गया ही नहीं, शायद आपसे कोई गलती होती है, क्या आप मेरा नाम जानते हो? तो बोलता है कि यस, आपका नाम मैं अच्छे से जानता हूँ, आपका नाम बिपिन बाबू है। ओके, ये बात से वो सरप्राइज हो जाते हैं। फिर से सोचते कि भाई फिर भी तेरे से आपसे कोई गलती हो रही है, क्योंकि मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ। तो बोले कैसे नहीं गए हो, आप वहाँ पर गिर गए थे, आपके पैर पर राइट जो लेग है वहाँ पर 1 इंच का निशान है, आपको वहाँ पर गिर गए थे। उसके बाद दूसरे दिन जहाँ पर आपको जाना था घूमने, उसके लिए मैंने कार करके मैंने ही अरेंज करके दी थी। ओके, लेकिन आपको पेन ज़्यादा होने की वजह से आप जा नहीं पाएंगे, आप जा नहीं पाए थे, ये बात बताता है। उसके बाद वो बोलता है कि अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप दिनेश मुखर्जी को पूछ लो। वे दिनेश मुखर्जी बिपिन बाबू का अच्छा फ्रेंड था, तो उसने बोला दिनेश को पूछो। तो बोले हाँ, वो भी आपके साथ थे, आपको होटल का खाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आपने एक रूम लिया था और ख़ुद का एक बावर्ची लिया था, आप उससे क्या करते थे, खाना बनवाते थे और खाते थे। और ये जो दिनेश मुखर्जी थे वो उनकी सिस्टर के वहाँ पर रहते थे। यानी जो जो चीज़ बताते हैं वो हर एक चीज़, जैसे वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि और वो सब चीज़ जैसे सही है। बिपिन बाबू को लेकिन ये इंसिडेंट याद नहीं था। वो वहाँ से घर पर आते हैं, घर पर आकर वो उसके बारे में सोचते हैं, वो हर एक इंसिडेंट के बारे में सोचते हैं कि भाई मैं क्या ऐसी कोई चीज़ हो सकती है कि मैं इस चीज़ को भूल जाऊँ। वो एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर थे, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब थी और वो अच्छी तरह से निभा रहे थे, आज तक कोई भी चीज़ वो भूले नहीं थे। तो फिर ये रांची का जो एक वीक का ट्रिप था वो कैसे भूल सकते हैं, वो बहुत ही चीज़ फिर से याद करते हैं। फिर याद करते करते उनको याद आया कि भी उसने कहा था कि भी मैं वहाँ पर गिर गया था, मेरे पैर में निशान था, चलो अगर वो सही है तो मेरे पैर में निशान होना चाहिए। तो अपना जो ट्राउज़र है उसको रोल करके अप करके नी पर वो निशान देखते तो निशान भी मिलता है। फिर से ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि भाई उसके हिसाब से ये निशान तो है, अभी निशान कब हुआ था वो फिर से उनके बारे में सोचना स्टार्ट कर, लेकिन कोई चीज़ याद नहीं आ रही है। वो कब गिरे थे, कहाँ गिरे थे, छोटे थे, कितनी एज पर गिरे थे, वो कोई भी चीज़ उसके माइंड में आ नहीं रही है। गिरा था निशान है, दैट इज़ फाइनल। और वो निशान उन्होंने बोला कि आप रांची में गिरे थे, अभी उनको याद नहीं है तो शायद उनकी बात सच हो सकती है। उसके बाद बोला था उसने कि भाई आप वहाँ पर दिनेश मुखर्जी थे, तो उन्होंने सोचा कि चल भाई उनको फ़ोन करके पूछूँ, लेकिन बोला नहीं उनको फ़ोन करूँगा अच्छी बात नहीं है। ओके, वैसे वो नज़दीक के रहते थे, घर पे भी जा सकते, लेकिन घर पे जाकर पूछना भी अच्छी बात नहीं है। तो वो नाइट तो वो आराम से सो गए, दूसरे दिन जब उठे ऑफिस गए, काम पे लगे, फिर से उनको जो यस्टरडे जो चीज़ हुई थी वही चीज़ सब फिर से उनको याद आने लगी। अभी इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ गया तो उन्होंने सोचा चलो मैं दिनेश मुखर्जी जो उसका फ्रेंड था उससे ही डायरेक्ट कन्फर्म कर दूँ। तो लंच से पहले उन्होंने क्या किया, दिनेश मुखर्जी को फ़ोन लगा दिया, दिनेश मुखर्जी को पूछा कि भाई हम 58 के कोई इंसिडेंट है मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला एक मिनट मैं अपनी डायरी में चेक करता हूँ। ओके, चेक करने के बाद वो कहता है कि हाँ मैं 1958 में दो जगह गया था, एक फरवरी मंथ में गया था, वो कृष्णानगर मेरा जो भतीजा है उसकी शादी थी, और सेकंड हम रांची गए थे, उसमें तो आप भी थे, आप मुझे क्यों ऐसा इंक्वायरी कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, कि आपको याद नहीं है? तो बोले नहीं नहीं मैं जस्ट पूछ रहा था। इस तरह से बिपिन बाबू बोलकर वो फ़ोन क्या करते हैं, रख देते हैं। यानी इन शॉर्ट जो उनका पैर का निशान ये भी मिस्टर घोष ने सही बताया, दिनेश मुखर्जी उनके साथ थे ये भी इंसिडेंट क्या हो गया, ये भी बात सही हो गई। दैट मीन्स दोनों चीज़ कन्फर्म हो गई। अभी उनको उनके सामने खाना पड़ा था, लेकिन जैसे भूख चली गई थी, वो नाश्ते में सैंडविच लेकर आए थे टिफिन बॉक्स में, लेकिन उसको जैसे भूख चली गई थी, उसको खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनका माइंड अभी ये रांची की जो ट्रिप थी उसके बारे में ही क्या कर रहा था, सोच रहा था। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके जो सेकंड जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको पता चला होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग केयरफुली। आपको एक PDF दी जाएगी जिसमें होमवर्क रहेगा आपका, वो आपको होमवर्क
करना है. ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली वंस अगेन.